हाय गाइस, ये है आईक्यू Z6 Pro जो कि एग्जैक्ट कॉपी है Vivo T1 Pro की। अगर आप इन दोनों में से कोई भी फोन खरीदते हो एक ही बात है, लेकिन गाइस पॉइंट ये है कि ये फोन काफी ज्यादा अच्छा फोन है। तो आज सारी बातें मैं इस फोन के बारे में डिटेल में बताऊंगा और मैंने इसको कॉम्पिटिशन के साथ भी कंपेयर किया है जो कि Realme 9 Pro Plus है। सारे आप लोग को स्टैट्स और डाटा दिखाऊंगा। उससे पहले मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। आप सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। डिजाइन की बात करते हैं, मेरे हिसाब से भाई यहाँ पर आईक्यू ने बहुत अच्छा डिजाइन बनाया है। काफी लाइट वेट फोन तो है ये, इन हैंड फीलिंग इसकी सच में फैंटास्टिक है क्योंकि ये बिल्कुल पतले फोनों में से एक है। और यहाँ पर मैट फिनिश इसकी मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई है। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा है पूरा कैमरा मॉड्यूल। ये देखो कितने बड़े बड़े दो लेंस यहाँ पर लगा रखे हैं, उसमें से नीचे वाले में दो और लेंसेज है। तो ये जो पूरा डिजाइन लैंग्वेज है ना, ये मेरे को बहुत यूनिक लगी है। और ट्रस्ट मी, इन दिनों में मैं बोल सकता हूँ कि वो टफ हो गया है ग्लास और प्लास्टिक में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना। थोड़ा सा टाइम लगता है मुझको पहचानने में कि भाई ये ग्लास है या फिर प्लास्टिक। ये भी एक अच्छा साइन है कि फोन सॉलिड बिल्ड में है। और ये जो एक 5G फोन है और 7 5G बैंड मिल जाते हैं, अच्छा नंबर है। और ऊपर से वाईफाई 6 भी है और ब्लूटूथ 5.2 है जो कि आपकी एयरफोन्स में पेयरिंग में हेल्प करेगा ऑब्वियसली। और जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना, मेरे को पसंद आया, काफी फास्ट खुल जाता है। बट एक बात मैंने नोटिस की है कि इसके बटन बहुत ज्यादा टेक्टाइल है यार। मैं सिम ट्रे दिखाता हूं, यहां पर जो है आप दो नैनो सिम लगा सकते हो, स्टोरेज एक्सपेंड करने का ऑप्शन नहीं है। बट यहां पर रबड़ कोटिंग है इसकी सिम ट्रे में, इसका मतलब ये स्प्लैश रेसिस्टेंट है। इस फोन से एक शिकायत है मेरे को कि यहां पर हमें डुअल स्पीकर्स नहीं मिलते, एक ही मोनो स्पीकर है, बट आउटपुट फिर भी ठीक। और अगर मैं आईक्यू को Realme 9 Pro Plus से कंपेयर करता हूं तो देखो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है, बट मुझे लगता है कि जो कैमरा मॉड्यूल है ना आईक्यू के अंदर, ये सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। अब Realme में फायदा ये है कि ये ग्लास के साथ आता है, तो ये खुद में एक प्रीमियम चीज 100% है। बट ये दोनों फोन डिजाइन के अंदर बहुत ज्यादा कंपेयरेबल है। लेकिन आईक्यू ने एक मिस्टेक की है, अपने फोन में वाटर ड्रॉप नॉच दी है और Realme ने जो है पंच होल कैमरा दिया है। तो एनी डे Realme जो है मॉडर्न तो है भाई। और इस आईक्यू के फोन में जो है 6.44 इंचेस की डिस्प्ले है, जो कि मेरे को बहुत स्वीट स्पॉट लगता है, ना ये बहुत बड़ी डिस्प्ले ना बहुत छोटी। और इसके अंदर जो है 90Hz का रिफ्रेश रेट है और Realme के अंदर भी 90Hz का है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और मैं एग्री करता हूँ कि 120Hz का रिफ्रेश रेट होना चाहिए, जैसे कि Samsung M53 जो आया है वो 120Hz का रिफ्रेश रेट लेकर आता है, लेकिन फिर वो प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं है जितना इसके अंदर डला हुआ है। और अगर मैं इसकी ब्राइटनेस की बात करूँ तो 1300 nits की ब्राइटनेस के साथ आता है। और मैं बता सकता हूँ आप लोग को, ये बहुत अच्छी ब्राइटनेस में से एक है मेरे हिसाब से। डिस्प्ले जो है ठीक है, बस ये ड्यू ड्रॉप नॉच देख के थोड़ा सा इन्होंने अपना काम खराब किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस फोन के हैप्टिक्स और बेटर हो सकते थे, लाइक वो ठीक ठीक से है। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो यहाँ पर एंड्रॉइड 12 मिलता है और ये फन टच OS है। भाई देखो, एक टाइम पे फन टच OS बहुत बेकार थी, ये फिर भी इंप्रूव होते हुए जा रही है। और इसमें ब्लोटवेयर मिलता है, आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से इस प्राइस सेगमेंट में चीज कॉमन है, रियल में भी ब्लोटवेयर आते हैं। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ कि जब मैं आईक्यू टेस्ट कर रहा था ना, इसके अंदर मैंने वीडियो आगे पीछे करी, लाइक 4K पे मैं देख रहा था, और सडनली वो स्लो मोशन में चलने लगी। तो अभी से मेरे को थोड़े बहुत बग्स दिखे हैं। आई होप ब्रांड जो है जल्दी से जल्दी इस UI को और इम्प्रूव करे, क्योंकि फोन तो बहुत अच्छे लेके आ रहे हैं। अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस फोन का परफॉर्मेंस पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्नैपड्रैगन 778G मिलता है यार ये। मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आईक्यू इतना अच्छा प्रोसेसर डालेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर है ना 6, 8 और 12 GB रैम वाले वेरियंट मिल जाते हैं और वर्चुअली 4 GB रैम आप और एक्सपेंड कर सकते हो। और UFS 2.2 स्टोरेज है। और रेफरेंस के लिए Realme और आईक्यू के मैं N22 स्कोर्स दिखाता हूं। यहां पर जो आईक्यू है वो लगभग 40,000 ज्यादा स्कोर्स लेकर आता है। और साथ में Geekbench भी देखो, बेंचमार्क से क्लियरली पता लग रहा है कि आईक्यू थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। और मैंने आईक्यू में CPU थ्रॉटलिंग रन करा है और यहां पर ग्राफ बिल्कुल ग्रीन आया है। एक छोटा सा कंपैरिजन फिर से करता हूं Realme से, यहां पर जो डिस्क स्पीड टेस्ट है वो भी आईक्यू के बेटर थे। एक बहुत अलग बात बताता हूं, मैंने इसके अंदर N22 रन किया और ये फोन गर्म ही नहीं किया, काफी हद तक ये ठंडा था। यूजुअली ऐसा नहीं होता है। फिर मुझे पता लगा जो इसका कूलिंग सिस्टम है वो काफी एडवांस है। कुछ भी हैवी काम करने पे इस फोन का जो टेम्परेचर है वो 12 डिग्री से कम जा सकता है इसकी कूलिंग सिस्टम की वजह से। और ये सेम चीज मैंने गेमिंग में फील करी है, जब मैंने इसके अंदर BGMI डाला ना, तो वहां पर HDR अल्ट्रा मिलता है, बट ऑब्वियसली आपको बेस्ट FPS नहीं मिलेंगे। इसलिए स्मूथ एक्सट्रीम पे जब हमने शिफ्ट कर खेला तो वहां पर 60 FPS मिल जाते हैं और मेरे हिसाब से गेमिंग काफी सही थी। और उसके बाद मैंने COD भी यहाँ पर इंस्टॉल करा और वेरी हाई मैक्स सेटिंग्स थी और तब भी जो है 60 FPS पे चला पा रहा था। तो मेरे हिसाब से ये कैपेबल फोन में से एक है। और अगर मैं Realme से कंपेयर करूँ ना, तो यहाँ पर गेमिंग में सिमिलर सेटिंग्स मिल जाती है, ऐसा कोई ह्यूज डिफरेंस तो नहीं है। स्टिल मैं बोलूंगा जो प्रोसेसर है इसके अंदर मुझे बहुत पसंद है। एक बात बताता हूँ, यहाँ पर बॉक्स में चार्जर मिल जाता है भाई, आजकल बताना पड़ता है सच में। ये 66 वॉट की यहाँ पर ब्रिक मिलती है और इस फोन के अंदर 4700 mAh की बैटरी है।
5000 होती ऑब्वियसली सही रहता, बट मेरे हिसाब से ये भी ठीक ही वर्क कर जाएगी। और अगर चार्जिंग स्पीड की बात करूँ ना, ब्रांड क्लेम करता है कि 50% ये चार्ज हो जाएगा 18 मिनट में। और अब इसके कैमरे की बात करते हैं, यहाँ पर 64+8+2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। मेन कैमरे की फोटोज दिखाता हूँ डेलाइट के अंदर, और मैंने नोटिस किया कि हर टाइम थोड़ी सी कूल फोटोज होती है, ब्लू की तरफ रहती है, लेकिन सैचुरेशन ये बहुत सही कंट्रोल कर लेता है, ओवर सैचुरेटेड नहीं रहती। मैंने ये भी नोटिस किया कि ये HDR भी काफी हद तक सही मैनेज कर लेता है। इस फोन के कैमरे के बारे में एक बात क्लियरली बताता हूँ, मेरे हिसाब से मैं ना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इसके कैमरे को लेके, मतलब कि इतना इनकंसिस्टेंट है कि मैंने नोटिस किया, मैंने एक ही जगह पे खड़े होके पोर्ट्रेट मोड दो बार खींची फोटो और दोनों बार अलग अलग इमेज प्रोसेसिंग आई है। ये हाईली इनकंसिस्टेंट कैमराज में से एक है, मतलब कि अगर आप पॉकेट से निकालोगे और फोटो खींचोगे आपको नहीं पता कि अच्छी आएगी या फिर बुरी। और अगर मैं पोर्ट्रेट की बात करूँ ना, वहां पर एसोडिक्शन तो ठीक रहती है, जैसे कि इंडोर मैंने फोटोज खींची है, तो लाइक कैमरा मैं फिर भी इसको ओके बोलूंगा। अगर मैं अल्ट्रा वाइड की बात करूँ तो एक बार मेन कैमरे से फोटो देखो और अल्ट्रा वाइड से देखो, आपको एक अच्छा खासा कलर डिफरेंस दिखेगा। जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो थोड़ी सी ना येलो की साइड फोटो खींचता है, और जो मेन कैमरा थोड़ी सी ब्लू की साइड फोटो खींचता है। और फिर मैंने आईकू को जो है रियलमी 9 प्रो प्लस से कंपेयर किया, एक बार रिजल्ट्स देखो, मेरे हिसाब से ना रियलमी सैचुरेटेड फोटोज खींचता है, जो कि लाइक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, बट वैसे अगर मैं फोटो की क्वालिटी की बात करूं तो मेरे हिसाब से रियलमी मच बेटर है। और सबसे बड़ा डिफरेंस आता है नाइट मोड के अंदर, वहां पर मैं बोलूंगा कि यार रियलमी मच मच बेटर है अगर आप आईकू से कंपेयर करते हो तो। अब आईकू के फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, 16 मेगापिक्सल का है ये, और इससे मेरे हिसाब से सेल्फीज तो अच्छी आ रही है, शार्प भी रहती है, डिटेल भी है, पोर्ट्रेट मोड में रेजोल्यूशन भी ठीक रहती है, ओवरऑल स्किन टोन भी लाइक ओके भी। और अगर वीडियो की बात करूं तो ये फोन जो है 4K 30fps रिकॉर्ड तो कर सकता है, बट उसमें स्टेबलाइजेशन नहीं होती, तो थोड़ा सा लाइक आउटपुट बेकार ही रहता है। बट 1080p 60fps में हमें अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, वहां पर ये बहुत अच्छा वर्क करता है, लाइक उधर जो है वीडियो आप बिल्कुल रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो वहां पर मेरी एक शिकायत है कि इस फोन में ना क्रॉप बहुत ज्यादा होता है, मेरे को पूरा हाथ स्ट्रेच करना पड़ा था तभी मैं फ्रेम में मेरा फेस आ रहा था। पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फोन स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता है फ्रंट से, तभी वो एक्स्ट्रा क्रॉप कर देता है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि रियलमी 9 प्रो प्लस कैमरे में तो बहुत ज्यादा सुपीरियर है। कंक्लूजन की बात करते हैं कि आईकू Z6 प्रो कैसा फोन है, तो मेरे हिसाब से आपको कंपैरिजन ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर आप रियलमी 9 प्रो प्लस से कंपेयर करते हो ना, तो दोनों फोन बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है, लेकिन रियलमी का फायदा यह है कि इसका कैमरा जो है सीरियसली बेटर है अगर आईकू से कंपेयर करते हैं तो। अगर आपको कैमरा बहुत मैटर करता है तो आपको रियलमी ही खरीदना चाहिए, नहीं तो सारी बात आ जाती है प्राइस के ऊपर। क्योंकि अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो आईकू जो है सारे ऑफर लगाने के बाद 21,000 रुपए का मिल रहा है, और फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही है तो रियलमी 20,000 रुपए का मिल रहा है, जो कि फिलहाल इस करंट सिचुएशन में रियलमी को बहुत बेटर डील बना रहा है। और अगर आप सेल के बाद वीडियो देख रहे हो तो भाई जो भी फोन आपको बेटर प्राइस पे मिल रहा हो आप कोई भी पिक कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आईकू कैमरा बहुत बेकार है कि मतलब खरीदो ही मत, आईकू मेरे हिसाब से एक्सीलेंट फोनों में से एक है। इन शॉर्ट चॉइस आपकी है, और आई होप आपकी हेल्प की हो मैंने किसी भी वे में। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आप यहां से और यहां से देख सकते हो, बाकी सब्सक्राइब करके हमारी टेक बर आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।